दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं सीजीपीएससी व्यापम से छत्तीसगढ़ के जनजाति से पूछे जाने वाले प्रश्न। यहाँ से आपके 4 से 5 नंबर जनजाति से पूछे जाने वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेगा व्यापम पीएससी में। साथ ही आप सभी को बताना चाहूँगा कि देखिए सब इंस्पेक्टर की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसका 6 सितंबर जो सब इंस्पेक्टर की है उसका 6 नवंबर से प्रारंभ होने जा रही है लिखित परीक्षा, ठीक है। आप सभी को मैं पहले बता चुका हूँ, आज के वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया है कि कैसे तैयारी करना है। और हमारे यूट्यूब चैनल पर आज से वन लाइनर क्वेश्चन प्रारंभ हो चुका है छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर की क्लासेस, ठीक है, 6 नवंबर से प्रारंभ होने जा रही है। जो लोग सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए छत्तीसगढ़ के जी का क्वेश्चन लाए हैं वन लाइनर, जो कि व्यापम और पीएससी में विगत वर्षों से प्रश्न पूछा गया है। तो आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। जब भी मैं ऐसे ही रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तब तक वीडियो को क्या करोगे, लाइक करके रख लोगे, ठीक है। तो जल्दी से बच्चे वीडियो को लाइक करके रख लीजिएगा। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ से पूछे जाने वाले प्रश्न। जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा पहला प्रश्न, देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ के सोना खान स्टेट किस जमींदार के बिंजवार थे, ये 2016 में पूछा गया है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के सोना खान स्टेट किस क्षेत्र के जमींदार थे वो पूछा गया है। इसका आंसर आपका हो जाएगा बिंजवार जनजाति, ठीक है, वो पीएससी 2016 में पूछा गया है। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ वन लाइनर क्वेश्चन है, जीके क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, देखिए सब इंस्पेक्टर में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से आपको 75 नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है, 75 नंबर से आपके प्रश्न रहेंगे। देखिए 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, सब इंस्पेक्टर की क्लास में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, वो आपका 300 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, 300 नंबर का आएगा, एक नंबर यानी कि एक प्रश्न जो रहेगा आपका 3 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। उसमें माइनस मार्किंग नहीं है, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल करें, ठीक है। जो लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, छत्तीसगढ़ के बस्तर के प्रभाव के अनुसूचित जनजाति अबुझमाड़िया है, ठीक है, अनुसूचित जो जनजाति है अबुझमाड़िया है, सीजीपीएससी 2017 में पूछा गया है, ठीक है, सीजीपीएससी 2017 में पूछा गया है। प्रजा जनजाति का अन्य नाम क्या है, जो प्रजा जनजाति है उनका अन्य नाम क्या है, तो उनका अन्य नाम धुरवा है, ठीक है। जनजातियों में से कौन कांकेर एवं बस्तर की जिलों में नहीं पाई जाती, तो कांकेर और बस्तर की जिलों में नहीं पाई जाती तो आपका पारधी हो जाएगा, जो कि कांकेर और बस्तर जिलों में नहीं पाई जाती, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन देख रहे हैं, बिल्कुल डिटेल से आप सभी को समझाऊंगा, ठीक है। इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ के किस जिले में आओ जनजाति निवास नहीं करती, देखिए यहाँ पर जो जनजाति कबीरधाम जिले में सीजीपीएससी 2010 में पूछा गया है, ठीक है। वीर नारायण सिंह किस जनजाति के समूह थे, आपका छठवां क्वेश्चन है कि वीर नारायण सिंह किस जनजाति के समूह थे, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बिंजवार जनजाति, ठीक है, बिंजवार जनजाति वीर नारायण सिंह के जनजाति के समूह थे। इसके बाद देखेंगे मुरिया जनजाति का पारंपरिक निवास क्षेत्र कहाँ है, जो मुरिया जनजाति है उसका पारंपरिक निवास क्षेत्र आपका नारायणपुर हो जाएगा, कहाँ स्थित है, नारायणपुर, सीजीपीएससी 2019 में पूछा गया है। इसके बाद है छत्तीसगढ़ राज्य के बिंजवार जनजाति का चिन्ह तीर क्या होगा, तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो बिंजवार जनजाति है, ठीक है, इसका चिन्ह क्या है, तीर चिन्ह है, ठीक है, सीजीपीएससी 2016 में पूछा गया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने इस राज्य की जनजातियों की संस्था घोटुल का अध्ययन किया है, तो घोटुल का अध्ययन किसने किया है, तो आपका वेरियन एल्विन हो जाएगा, जो कि सीजी व्यापम 2017 में पूछा गया है। इसके बाद पाइक किस जनजाति से संबंधित, जो पाइक होता है वो भी व्यापम में पूछा गया है, तो आंसर आ जाएगा कंवर जनजाति, ठीक है, पाई कवर जनजाति से संबंधित है, सीजीपीएससी 2019 में पूछा गया है। मैं आप सभी को मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो लोग व्यापम की तैयारी कर रहे हैं या पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट क्लास लेकर आए हैं, छत्तीसगढ़ व्यापम की क्लास चल रही है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं पाई किस जनजाति से है, तो कवर जनजाति से, ठीक है। इसके बाद देखिए जो लोग छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करना चाह रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर 26 सितंबर से प्रारंभ हो जाती है, यानी कि पहला वीडियो आज की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, और पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की, जो कि आप लोग
जाके देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पर लिंक दिया गया है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, ये क्लास चल रहा है सब इंस्पेक्टर की, चल रहा है यानी कि सूबेदार पुलिस उप निरीक्षक की, ठीक है। जो लोग व्यापम की तैयारी कर रहे उनके लिए तो बेस्ट क्लास लेकर आए ही हैं। डेली आपको 50-50 MCQ कराया जा रहा है, बिल्कुल फ्री कोर्स है, 3 महीने का आपको पैसा बिल्कुल नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री कोर्स है। जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, राकेश, मोहन, सीता, गीता, जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं। हाँ जी, गुड, वेरी गुड। देखिए क्लास चल रहा है ना सब इंस्पेक्टर की, बिल्कुल सही है, क्लास करते जाइए ना। हाँ राजेश कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं राजेश? हाँ बिल्कुल है, वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है, सब इंस्पेक्टर में आएगा ही प्रश्न, एक नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जनजाति से, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल क्लास कर रहे हैं ना, बिल्कुल, धन्यवाद। चलिए, आप ही लोगों को फ़ायदा होगा, मेरा तो कुछ नहीं होगा, है ना, मैं आप सभी के लिए मेहनत कर रहा हूँ। हाँ वहाँ से कंटेंट, हाँ कंटेंट बिल्कुल तैयारी करके रखा हूँ मैं, डेली क्लासेस करते रहिएगा, ठीक है। चलिए देखेंगे, बिहार जनजाति का मुख्यतः किस जिले में निवास करते हैं, जो बिहार जनजाति है ये वाला, ये कौन से जिले में निवास करती है, तो आपका सरगुजा हो जाएगा। CGPSC 2019 में ये भी पूछा गया है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है मैं आप सभी को वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बस्तर की किस जनजाति का मूल निवास उड़ीसा राज्य में है, जो उड़ीसा राज्य में आपका कौन सा आ जाएगा, उड़ीसा राज्य में आपका गदबा आ जाएगा, ठीक है। गदबा CGPSC 2016 और व्यापम 2009 में पूछा गया है। इसके बाद ककसार नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, जो ककसार नृत्य है अबुझमाड़िया जनजाति से संबंधित है, ठीक है। अबुझमाड़िया का उप जनजाति कौन कौन सा है जल्दी बताइए, कमेंट कीजिएगा। हाँ बिल्कुल सही है, सभी लोगों का आंसर आ चुका है, कमेंट कीजिएगा। व्यापम 2013 में पूछा गया है, ठीक है, व्यापम 2013 में पूछा गया है ये अबुझमाड़िया जनजाति। उसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है, मैं आप सभी को जस्ट अभी बताया हूँ कि छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया जनजाति है, ठीक है। जो अबुझमाड़िया जनजाति उप जनजाति है, किसकी जनजाति है, उप जनजाति, ये गौड़ जनजाति की है, ठीक है, गौड़ जनजाति है, ठीक है, गौड़ जनजाति। छत्तीसगढ़ में जनजाति की कितनी प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है, तो आप सभी नोट कीजिएगा, छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है। कितने प्रकार की, 42 प्रकार की। जो लोग कॉपी पेन नहीं रखे हैं साथ में कॉपी पेन रख लीजिएगा, नोट करते जाइए, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है, वो भी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रकार की। कौन सी प्रकार की, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, नोट कीजिएगा इसको, ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रकार की, ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रकार की जनजाति पाई जाती है। अब बात करें उप समूह की, तो देखिए इसका उप समूह की बात करते हैं, तो 161 उप समूह है, ठीक है, 161 उप समूह पाई जाती है छत्तीसगढ़ के। हाँ बिल्कुल, 42 प्रकार की जनजाति पाई जाती है, 161 उप समूह पाया जाता है, ठीक है, नोट कीजिएगा, 161 उप समूह पाया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं रायपुर संभाग से, रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है। देखिए बार बार मैं आप सभी को पिछले कक्षाओं में बता चुका हूँ, रायपुर संभाग में सबसे ज़्यादा कमार जनजाति निवास करती है, ठीक है, कमार जनजाति ऑप्शन ठीक रहा है, ठीक है, CGPSC 2017 में पूछा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर है, प्रधान जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है, प्रधान जनजाति है वो कवर्धा जिले में, ठीक है, कवर्धा, ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, कौन सा जनजाति, कवर्धा, कवर्धा प्रधान जनजाति कबीरधाम जिले में निवास करती है, CGPSC 2019 में पूछा गया है। मैं इसलिए बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ, वन लाइनर। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से वीडियो को जाइए और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी है उसको ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जब भी मैं ऐसे रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोग तैयारी कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर के लिए, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की आदिम जनजाति ग्रुप यानी कि PDG कौन है, तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ की जो आदिम जनजाति ग्रुप है वो PDG कौन है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, CGPSC 2019 में पूछा गया है। इसके बाद नाहर एक उप जनजाति, किसकी उप जनजाति है, नाहर, जो नाहर होता है वो बैगा जनजाति की उप जनजाति है, ये पूछा गया है वापम में 2015 में पूछा गया था। अब ये देखिए, धनका किस जनजाति की उप जनजाति है, आप सभी को पता होगा धनका,
धनका किसको बोलते हैं, पता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है। धनका उप जनजाति है तो इनकी उप जनजाति उराव होगी। उराव की उप जनजाति कौन है? धनका। ठीक है, व्यापम 2009 में पूछा गया है। तो उराव का पेय पदार्थ कौन सा है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, उराव का पेय पदार्थ कौन सा है कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, उसके बाद अबूझमाड़िया इस राज्य के, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जनजाति की उप जनजाति, जो अबूझमाड़िया है, मैं आप सभी को पहले ही बताया हूँ जस्ट हाल ही में, गौड़ जनजाति। ठीक है, गौड़ जो जनजाति है वो अबूझमाड़िया की उप जाति है। उसके बाद गुरावट किस में होता है? गुरावट विवाह विनिमय विवाह में होता है। ठीक है, विनिमय विवाह में होता है, व्यापम 2016 में पूछा है। ठीक है, चलिए घोटुल किस जनजाति से संबंधित है, चलिए बताइए घोटुल किस जनजाति से संबंधित है? घोटुल जल्दी बताइए, घोटुल किस जनजाति से संबंधित है? मुरिया जनजाति। बिल्कुल सही आंसर, मुरिया जनजाति से संबंधित है। CGPSC 2018 लाइब्रेरियन में पूछा गया है। ठीक है, सेवा विवाह यानी कि लमसेना का प्रचलन किस जनजाति में? सेवा विवाह बोलते हैं उसको, गौड़ जनजाति में होती है। ठीक है, गौड़ जनजाति में लमसेवा विवाह का प्रचलन होता है। सल्फी नामक पदार्थ किस जनजाति में प्रसिद्ध है? जो सल्फी नामक पेय पदार्थ है वो आपका माड़िया जनजाति में प्रसिद्ध है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पुनः विवाह को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? छत्तीसगढ़ में जो पुनः विवाह होता है उसको चूरी पहना विवाह कहते हैं। कौन से विवाह कहते हैं? चूरी पहनाई विवाह कहते हैं। ठीक है, उसको अर उतो विवाह भी कहा जाता है, इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, अर उतो विवाह, अर उतो विवाह कहा जाता है, इसको नोट कीजिएगा। छत्तीसगढ़ में दूध लौटा वाह किस जनजाति में प्रचलित है? छत्तीसगढ़ में दूध लौटा हुआ किस जनजाति में प्रचलित है? जल्दी बताइए, गौड़ जनजाति में। ठीक है, गौड़ जनजाति में प्रचलित है। उसके बाद गोदना गोदने वाली जनजाति कौन सी है? तो गोदना गोदने वाली जनजाति है ओझा। ठीक है, ओझा है जो गोदना गोदने वाली जनजाति, CGPSC 2020 में पूछा गया है। तो आप सभी कमेंट में बताइएगा, आप सभी के लिए एक प्रश्न है, गोदना गोदनाने वाली जनजाति कौन सी है? गोदना गोदनवाने वाली में आप सभी को बताएगा ओझा गोड़ है। तो गोदना गोदवाने वाली जनजाति सबसे प्रमुख कौन है आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, लोहा बनाने वाली अनुसूचित जनजाति अघरिया है। ठीक है, लोहा जो बनाती है उसको अनुसूचित जनजाति में अघरिया, CGPSC 2018 में पूछा गया है। इसके बाद छिंदी के पत्ते से चटाई व टोकरी कौन बनाते हैं? तो छिंदी के पत्ते से कौन बनाते हैं जल्दी बताइएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका शिकारी लोग बनाते हैं। CG व्यापम में पूछा गया प्रश्न है, वन लाइनर। ठीक है, जितने भी आप सभी को क्वेश्चन करा रहा हूँ, विगत वर्षों के प्रश्न लेकर आया हूँ। जो लोग व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके रख लीजिएगा, जितने बच्चे जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक करते जाइएगा। ठीक है, लोहे की पूजा को दुर्गा देवी की पूजा मानते हैं कौन लोग मानते हैं? जो लोहे की पूजा करते हैं दुर्गा देवी की पूजा मानते हैं कौन मानते हैं? कमार लोग। ठीक है, कमार लोग मानते हैं उसको, CGPSC 2019 में पूछा है। इसके बाद देखेंगे कि सड़वा जुड़ूम किस हिंदी का पर्यायवाची है? सड़वा जो जुड़ूम होता है वो शांति की ओर लोटो का होता है। ठीक है, शांति की ओर लोटो होता है। इसके बाद है देखिए 34th क्वेश्चन है कि अमृता की स्तन की परंपरा, अमृता की स्तन की परंपरा किस जनजाति में है? वो आपका हो जाएगा डंडामी माड़िया। ठीक है, डंडामी माड़िया, CGPSC 2019 में पूछा है। देखिए इसके बाद क्वेश्चन आप सभी के लिए, ये आप सभी के लिए लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये वाला 33 का। छत्तीसगढ़ के जनजातीय लोगों में प्रचलित ढुंकू हुआ प्रथा है, जो ढुंकू हुआ प्रथा है एक राज्य की जनजाति में, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, राज्य की जनजाति में लोगों में प्रचलित होता है, जून को विवाहट विवाह कहते हैं। ठीक है, एक रूप से स्वरूप लड़की भागकर अपने प्रेमी के घर जाती है और वह रहने लगती है। कुछ जनजातियों में विवाह को ढुंकू विवाह भी कहते हैं या पैठू विवाह भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसको ढुंकू विवाह कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के जनजातीय लोगों में प्रचलित है। ठीक है, आप सभी के लिए वन लाइनर क्वेश्चन लाए थे, देखिए 33 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में करेंगे छत्तीसगढ़ व्यापम में देखेंगे कंप्यूटर की क्लास। ठीक है, वहाँ से आपको बिल्कुल प्रश्न बनेंगे। देखिए सब इंस्पेक्टर में आपका हिंदी का 30 नंबर का पूछा जाता है और इंग्लिश का 15 नंबर पूछा जाता है, तो आप लोग हिंदी और इंग्लिश का तैयारी कर लीजिएगा। मैं आप सभी को देखिए छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान कराने वाला हूँ और भारत का सामान्य ज्ञान भी कराने वाला हूँ, साथ ही गणित की क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, गणित की क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जो लोग अभी तक चैनल पर जुड़ चुके हैं तो वीडियो को एक लाइक करके